संबल किसान अध्यादेश बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच से पूर्व संबल में हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस बल ने किसानों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर हैं। संबल भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने किसान अध्यादेश बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। संबल दिल्ली हाईवे पर चौधरी सराय पुलिस चौकी के निकट सैकड़ों की तादाद में किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने किसान अध्यादेश बिल का विरोध करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार अगर किसानों की लाई काला बिल को वापस नहीं देती है तो देश भर में जन आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में आज से दो दिवसीय धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे किसानों को इस दौरान पुलिस के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम दिल्ली जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मांग ये है, मांग कुछ भी नहीं है, हमारी मांग थोड़ी है। हम तो ये जो केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा के भारत में और तमाम देश के लोगों के मुंह पर रुमाल बंधवा के मुछिया लगा के और ये हमारे खिलाफ जिन कानून लेके आई है पार्लियामेंट में पास करा लिए इन्हें दिन अध्यादेश, जिसमें सीधा सीधा ये है कि किसानों की जमीन पूरी खेती बड़े बड़े कारपोरेट के हाथों गिरी रखना है, तो पूरा हिंदुत्व किसान का विरोध कर रहा है और किसानों ने साफ कह दिया हम किसी भी कीमत पर ये काले कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर ये कानून लागू करने हैं तो हमारा कानून इसके साथ जोड़ दो कि जो भाव आप तय करते हो MSP उससे नीचे कोई खरीदता है भारत में वो गारंटी कानून बने उसके लिए वो जेल जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बिना कानून पास किया अध्यादेश लागू करने की कोशिश करेंगे इसको हम नहीं मानेंगे और पूरा हिंदुत्व सड़क पर होगा और देश में क्रांति होगी, किसान क्रांति होगी भारत में। अब किसानों की नई आज़ादी लड़ाई छिड़ चुकी है देश के अंदर अब, और ये रुकने वाली नहीं है। अगर कोई हिटलर शाही सरकार कुछ तारा सा सरकार सोचकर काम करती है वो बादशाह देश का, बादशाह कोई नहीं भारत में। अब लोकतांत्रिक सरकार है, हम चुनते हैं सरकार, हम चुनते हैं। एक गरीब आदमी वोट की कीमत और एक बड़े बड़े रईस की कोटी की बराबरी है, मुकेश अंबानी कीमत वोट की हमारी बराबर है, इसलिए किसान सीधा जान चुके हैं समझ चुके हैं। अब जो बात होंगी वो तर्क पर होंगी। अगर खजाने में देश के 65% आबादी हमारी भारत में है, हिस्सा हमारा 65% है खजाने में, और खजाना अगर हमें सरकार हमें 2% देगी उन्हें 80% देगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सब जागरूक हो गए, किसान बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, अब एक ही बात का हिसाब लिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा इनसे, अब और लड़ेंगे और जीतेंगे हम साफ बात। जो सर भारतीय किसान यूनियन में क्या पद है आपका, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह जी बिलारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली राजनीति, ये मेरा पद है। और पूरा और हम अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा हमने बनाया पूरे देश के किसानों मिलकर, राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हमको दिल्ली आ रहे हैं सब लोग।